हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, और जब इस न्यू इंडिविजुअल्स को बनाने में जनरली टू पेरेंट्स भाग लेंगे, गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, एक सेल बनेगा जायगोट, और उस जायगोट से जब न्यू इंडिविजुअल बनेगा तो ऐसे रिप्रोडक्शन को ही बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी एक सिंगल पेरेंट भी भाग ले सकते हैं। दूसरी चीज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स भाग लेता है, जर्मिनल सेल्स भाग लेता है और मियोसिस होता है। इसी वजह से ऑफ स्प्रिंग एक दूसरे के और अपने पेरेंट्स के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा जा सकता है कि इसमें जनरली टू पेरेंट्स भाग लेते हैं, इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स से एक सेल बनता है जिसको बोलते हैं जायगोट। गैमिट्स हैप्लोइड सेल्स होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक स्पर्म जिसे मेल गैमिट कहते हैं, ओवम जिसे फीमेल गैमिट कहते हैं, और स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से एक नया सेल बनता है जिसे जायगोट कहते हैं। जायगोट एक डिप्लोइड सेल होगा और अब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम जायगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जर्म सेल्स भाग लेगा और इसमें मियोसिस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के पूरे लाइफ स्पान को थ्री फेजेज में डिवाइड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या नहीं इसी के आधार पर फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। फर्स्ट फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का यह फर्स्ट फेज है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं करता है, मतलब यह प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। इस समय इंडिविजुअल की बॉडी में रैपिड ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ बॉडी। सारे रिसोर्सेस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंज्यूम्ड कर लिए जाते हैं, खर्च कर लिए जाते हैं, यूज्ड अप कर लिए जाते हैं। ऑल रिसोर्सेस आर यूज्ड अप इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। प्लांट में इस फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। सेकेंड फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान का यह सेकेंड फेज है जिस समय वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, मींस गैमिट्स बनाना शुरू कर देता है। इसमें क्या लिखा जा सकता है, ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट टू प्रोड्यूस गैमिट्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीनेसेंट फेज अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे ही पहली बार अपने लाइफ स्पान में फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा तो बोला जाएगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स अपने पूरे लाइफ स्पान में कितने बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, एक बार या एक से ज़्यादा बार, इसी के आधार पर फ्लावरिंग प्लांट्स टू टाइप्स का होगा, एक होगा मोनोकार्पिक प्लांट्स और एक होगा पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो टू टाइप्स ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, जो फर्स्ट होगा वह होगा मोनोकार्पिक प्लांट। वे प्लांट्स जो अपने पूरे लाइफ स्पान में मात्र एक बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे उसे बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट्स। दे फ्लावर वंस इन देयर होल लाइफ स्पान। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा। सारे एनुअल प्लांट्स, वे प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल एक ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाता है उसे बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। कुछ एग्जांपल भी लिखा जा सकता है, सनफ्लावर, वीट इटीसी। सारे बायएनियल प्लांट्स, वे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनका लाइफ स्पान टू ईयर्स के अंदर कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं बायएनियल प्लांट्स। रेडिस, कैरेट और कुछ पेरेनियल प्लांट्स भी, वे फ्लावरिंग प्लांट जिनका लाइफ स्पान कई ईयर्स तक कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं पेरेनियल प्लांट्स। तो कुछ पेरेनियल प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने पूरे लाइफ स्पान में मात्र एक ही बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। सम पेरेनियल प्लांट्स, और इसका दो एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, बैम्बो, नीला कुरंजी। बैम्बो प्लांट अपने पूरे लाइफ स्पान में एक ही बार फ्लावर्स बहुत सारा प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो लिखा जा सकता है बैम्बो स्पेसीज फ्लावर वंस ओनली आफ्टर 50 to 100 years, after which they produce a large number of fruits and die. उसके बाद वो मर जाते हैं। मतलब साफ है कि बैम्बो प्लांट जो होता है वो 50 से 100 ईयर्स तक वेजिटेटिव फेज में रहता है। नीला कुरंजी जिसका साइंटिफिक नेम है एस्ट्रोवायलेंथस कुंथियाना, उसका लाइफ स्पैन 12 ईयर्स का होता है और वह प्लांट 12th ईयर में 12वें वर्ष में बहुत सारा फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और उसके बाद वो मर जाते हैं। एस्ट्रोवायलेंथस कुंथियाना, कॉमन नेम है नीला कुरंजी, फ्लावर्स वंस इन 12th ईयर ऑफ इट्स होल लाइफ स्पान ऑफ 12 ईयर्स। 2006 के सितंबर अक्टूबर में इतना ज़्यादा यह फ्लावर्स प्रोड्यूस किया था कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का जो हिली एरियाज है वह ब्लू स्ट्रेचेज में कन्वर्टेड हो गया था, नीला कालीन की तरह में कन्वर्टेड हो गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड फ्लावरिंग प्लांट्स है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ये ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष के पर्टिकुलर सीजन में या पीरियड में फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे फ्लावर इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एवरी ईयर
इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज. एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मोस्ट पेरिनियल प्लांट्स जो होंगे वो आएंगे. एनुअल और बाय एनुअल प्लांट्स तो नहीं आएंगे. इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, मैंगो, एप्पल, ईटीसी. कोई एक पॉलीकार्पिक प्लांट होगा तो किसी ईयर के पर्टिकुलर पीरियड या सीजन में फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा. वही पॉलीकार्पिक प्लांट फिर से अगले ईयर में उसी पर्टिकुलर सीजन या पीरियड में फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा. मतलब यह कि टू सक्सेसिव फ्लावरिंग पीरियड्स के बीच में एक गैप होगा, एक पीरियड होगा जिस पीरियड को बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड. तो लिखा जा सकता है इंटर फ्लावरिंग पीरियड. इट इज द नॉन फ्लावरिंग पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव फ्लावरिंग पीरियड्स. प्लांट्स में इंटर फ्लावरिंग पीरियड को रिकवरी फेज कह सकते हैं. क्यों? इसलिए कि पॉलीकार्पिक प्लांट रिकवरी फेज में रिसोर्सेस बनाते हैं और इसी रिसोर्सेस के बनने के कारण वो फिर से अगले ईयर के पर्टिकुलर पीरियड में फ्लावर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे. एनिमल्स की बात करना है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, गिव राइज कर सकते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी ईयर के पर्टिकुलर सीजन में या पीरियड में ही वह नए ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं. तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है जिसे बोलते हैं सीजनल ब्रीडर. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी ईयर के पर्टिकुलर सीजन या पीरियड में ही नए ऑफस्प्रिंग को बना पाएंगे. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फ्रॉग, लिजार्ड्स, मोस्ट बर्ड्स, अधिकांश बर्ड्स आएगा, और डियर. पोल्ट्री फॉर्म में जो हेन्स के द्वारा एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वह रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वह कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन है फॉर ह्यूमन वेलफेयर. इस चीज को ध्यान में रखना है. सेकेंड जो एनिमल्स होगा उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी न्यू ऑफस्प्रिंग को बना सकते हैं. इसका एग्जाम्पल कैट, डॉग, रैबिट, ह्यूमन बीइंग्स. मैमल्स में डेवलपिंग इम्ब्रियो और मदर के यूट्रस के बीच एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा. इसी प्लेसेंटा से होकर मदर के यूट्रस और डेवलपिंग इम्ब्रियो के बीच में डिफरेंट मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. हालांकि ये प्लेसेंटा सारे मैमल्स में नहीं बनते हैं, अधिकांश मैमल्स में बनते हैं. जिस मैमल्स में प्लेसेंटा बनेगा उसे बोलेंगे प्लेसेंटल मैमल्स. प्लेसेंटल मैमल्स के फीमेल्स के ओवरी, एक्सेसरी डक्ट्स और हॉर्मोन्स में कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कह सकते हैं. और यह रिप्रोडक्टिव साइकिल प्लेसेंटल मैमल्स में टू टाइप्स का होता है. तो इस तरह से टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकल्स होगा. इसमें जो फर्स्ट होगा उसे बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्राइमेट्स के फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो इनर पार्ट होता है वह सेड हो जाता है, टूट करके गिर जाता है, और वह जो ब्रोकन टिश्यूज होता है वह ब्लड के साथ
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन इसमें होता है। तो लिखा जा सकता है रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट फीमेल्स। प्राइमेट फीमेल्स में कौन कौन आएगा? एप्स, मंकीज और ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक चीज और, इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन अकर्स। जो सेकेंड साइकिल है उसे बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल्स ऑफ नॉन प्राइमेट प्लेसेंटल मैमल्स इज कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। यहां भी नॉन प्राइमेट प्लेसेंटल मैमल्स के फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इनर पार्ट टूटते हैं, लेकिन वह ब्लड के साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर नहीं जाते हैं। ब्रोकन टिश्यूज जो होते हैं, सेड टिश्यूज जो होते हैं, उसको बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। मतलब इसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट टेक प्लेस। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होगा, कैट, डॉग, काउ, एलिफेंट, टाइगर, और भी बहुत सारा होगा। अब जो थर्ड फेज है उसे बोलते हैं सीनेसेंट फेज। यह किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का यह लास्ट फेज है, जिस समय गैमिट्स नहीं बनते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो यह क्या हो गया? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। इट इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इन विच देयर इज डेटेरियोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी विच इंक्रीजेज चांसेस ऑफ नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ पासिस ऑफ टाइम। मतलब यह पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है जिसमें इंडिविजुअल्स के बॉडी के स्ट्रक्चर्स और फिजियोलॉजी का लॉस होगा, डेटेरियोरेशन होगा, पतन होगा, और समय बीतने के साथ साथ इंडिविजुअल्स का डेथ हो जाएगा। तो इस फेज को बोलते हैं सीनेसेंट फेज। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक प्लांट है जिसे बोलते हैं चाइना रोज, हिबिस्कस। यह ऐसा प्लांट है जो एक ईयर में हमेशा फ्लावर्स प्रोड्यूस करते रहता है। इट फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। एक चीज और, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल में जो थ्री फेजेज होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंट फेज, तीनों फेजेज के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जुवेनाइल फेज कब से कब तक होगा, रिप्रोडक्टिव फेज कब शुरू होगा, है ना, रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त होकर के सीनेसेंट फेज कब शुरू होगा, इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेज
ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस वीडियो में यही तक, नेक्स्ट वीडियो में हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।